शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। प्रिंस, ये क्या किया तू? तू देख नहीं सकता था कि गाड़ी चेक पर है और बस एक सिलेंडर पर पैर रख दिया, और अभी यूसुफ सर को मालूम पड़ेगा ना तो कयामत आ जाएगी। कयामत क्या? मां कसम, ये करीम, ये क्या हो गया? अरे क्या, गाड़ी चेक पर थी और स्टार्ट कर दी यार इसने। यार अभी देख कितना बड़ा लफड़ा हो गया यार। अभी यूसुफ सेठ जो समझ ले, बहुत लफड़ा हो जाएगा। मोहन समझ ले कि तेरे प्रिंस की नौकरी तो अभी गई। काय को डरा रहे ले, अपने जवान को ताला दे, समझा ना, नहीं तो भाई के सामने अपना भी जवान खुल जाएगा। क्या मतलब? मतलब वो कपूर की गाड़ी के साथ तूने क्या क्या लफड़ा किया था ना, मेरे को सब मालूम है। और कह रहे तेरे को जाने का था ना अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास। हाँ तो जा रहा हूँ ना। हाँ तो निकल। और सुन, यूसुफ भाई को इसका भनक भी नहीं पड़ना चाहिए, समझा ना। चिंता मत कर यार, नहीं लगेगा, चल बाय। वो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और प्रिंस, टेंशन नहीं लेने का, अपुन के रहते काय को, ये टेंट वेंट का काम तो अपने बायत का खेल है। वैसे भी डिलीवरी सुबह को है ना, बहुत टाइम है, सुबह तक तो गाड़ी टकाटक कर डालेंगे। और एक्सीडेंट का क्या है, वो जो गाड़ी चला रहा है, जिसका गाड़ी उससे भी तो हो सकता है। अपन बोला ना प्रिंस, मोहन बोला टेंशन नहीं लेने का, लग जाते काम पे, अभी हो जाएगा, हो जाएगा। बताया था सलाम बॉम्बे गैरेज। भाई साहब, यहां पर कोई राज काम करते? प्रिंस अभी अभी नया नया काम शुरू किया है। भैया आप यहां, राज तो अभी तक घर क्यों नहीं आया? हाँ, तूने कहा था गैरेज 6 बजे बंद हो जाता, घर पे सबको तेरी चिंता हो रही है। भैया एक्चुअली इस गाड़ी की डिलीवरी मुझे सुबह देनी है, काम अटक गया इसलिए घर नहीं आ पाया। फोन तो करना चाहिए था ना राज। पूरी गलती मेरी है भैया, काम में इतना उलझ गया कि फोन करना ही भूल गया। आई एम रियली सॉरी भैया, मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही होगी ना। परेशानी नहीं राज, चिंता हो रही थी। ये तो अच्छा हुआ रानी को हल्का सा अंदाजा था कि गैरेज कहाँ पर है, पूछते हो यहाँ तक पहुँच गए, वरना घर बैठे बैठे सोचते ही रहते और
चल ठीक है, चल चल घर चल, आजा चल। नहीं भैया आप लोग चलिए, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और माँ से कहिएगा कि मेरी चिंता मत करें। चिंता नहीं राज, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करेंगी। घर कब आएगा? भैया मैं कल रात को घर आऊँगा। कल रात को? भैया इस गाड़ी का नुकसान मेरी वजह से हुआ है, कल सुबह यूसुफ भाई के आने तक मुझे गाड़ी ठीक करनी होगी, और कल फिर काम पर भी तो आना है, इसलिए अब मैं घर सीधा कल रात को ही आ पाऊँगा। राज 36 घंटे लगातार काम करेगा क्या? हाँ नया नया काम है और सीख भी रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही भैया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो रानी। अभी अपन जाके स्प्रे पेंट ला रहे ले, तब तक तुम जरा स्टार्ट वार्ट देख लो, हॉर्न वगैरह। बेटा जरा ऑफिस जाते जाते राज को ये टिफिन दे देना, पता नहीं कल से उसने कुछ खाया भी है या नहीं। जी माँ दे देंगे। कोर्ट का नोटिस यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। किसके नाम का? माँ प्रिंस के लिए। प्रिंस? माँ हम उन्हें चाहते हुए दे दे। नहीं बेटा, राज वैसे ही इतने दिनों से इतना परेशान है, पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तू जा भी रही है तो राज को इस बारे में कुछ बताना नहीं। जब वो रात को काम से घर आएगा तब मैं खुद उसे दे दूँगी, ठीक है ना? संभल कर जाना। कहीं ये प्रिंस के लिए एक और उलझन तो नहीं? हो गया। थैंक्स यार मोहन, तुमने आज मेरी हेल्प की। अब कितनी बार थैंक्स बोलेगा? अरे अपुन का नसीब है कि अपुन आपके कुछ काम आ सका, नहीं तो आपके अपुन पे इतना एहसान है। वो सब छोड़ो, अभी यूसुफ भाई आ रहे होंगे, मुंह हाथ धोके फ्रेश हो जाते। मोहन भाई राज बल्ला के लेवा क्या? अरे
मोहन भाई फुलटून ऐड किया क्या? अरे अरे गाड़ी ठीक हो गई ना? अरे सेठ सुबह बोला था रेडी रखेगा तो रेडी रखना ही पड़ेगा ना। देखो देखो एकदम चकाचक नई नवेली एकदम शोरूम से अभी अभी बाहर निकले ली माफिक हो गई लिए। देख रहे हो सेठ, ये यूसुफ भाई का गैरेज है। यहाँ पे हर काम ठोक बजाकर किया जाता है। चालू काम तो अपने गैरेज में होता ही नहीं। अभी बिल बनाता है, पैसा भरो और अपना गाड़ी लेके जाओ। वो क्या है ना सेठ, अल्लाह के करम से अपना एक असूल है। क्या? अपना कस्टमर एकदम खुश होना मांगता है। यूसुफ भाई, काम में तो कोई शिकायत नजर नहीं आ रही है। काम वाकई बहुत अच्छा हुआ है। चलिए बिल देख लेते हैं। चलिए देखा, खाली पीली टेंशन ले रहे थे। अरे मैं बोला ना एकदम मस्त में सुलट जाएगा। मोहन, मैं तुम्हें एक और तकलीफ देना चाहता हूँ। नहीं देने का, ऑर्डर करने का। गैराज बंद होने के बाद रोज 2 घंटे तुम मुझे काम सिखाओगे? मैं भी एकदम बढ़िया सा काम करना चाहता हूँ। अपने काम में कोई कमी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। जल्दी काम सीखूंगा तो तुम्हें कम परेशान करूंगा। अरे जब सीखने वाले को ऐतराज नहीं है तो सिखाने वाले को क्या ऐतराज हो सकता है? और तुम रोज 2 घंटे का बात कर रहे हैं, मैं तुमको 2 दिन में एकदम चक मैकेनिक बना डालेगा। थैंक्स यार मोहन, मैं भी तुम्हारी तरह एकदम चकाचक काम करना चाहता हूँ। अपुन के जैसा तुम मैकेनिक बन ही नहीं सकता। बोले तो अपुन से भी अच्छा मैकेनिक बनेगा, जल्दी सीख जाएगा तुम। नो नो, प्लीज कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स। आई कैन नॉट कम टू लंदन इमीडिएटली, आई हैव सम अर्जेंट वर्क हियर। ओके ओके बाय। जी सर। आया वो? जी नहीं। ओ, नोटिस मिलने पर भी अकड़ नहीं गई। खैर आएगा, जरूर आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। हर किशन बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय। बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय पियो। तेरे को बोला ना, जब तक पिछला पेमेंट नहीं होगा गाड़ी की डिलीवरी नहीं होगी। बस बोल देना। वाह, क्या आराम से चाय पी जा रही है। हा? जैसे मैं चाय पीने की पगार देता हूं, कोई काम नहीं है क्या? हो भाई क्या हो भाई? देखिए सर, काम कम और आराम ज्यादा। इससे पूछ, कल से इसने कुछ काम किया भी है कि नहीं? इसको समझा दें, यूसुफ भाई के पास फोकट के पैसे नहीं है बांटने के लिए। काम नहीं हुआ ना, पगार से काटूंगा। क्या भाई, जब देखो आप तब घेर में रहते हो। भाई नाराज नहीं होने का, तुम्हारा बहुत मेहनती है।
मैं ही बोला उसको ये गाड़ी पे काम करने के लिए। सब के सब काम चोर। यहां कोई खैरात नहीं बढ़ रही है। प्रिंस, यूसुफ भाई का बात का बुरा नहीं मानने का, उनका गुस्सा जो है ना वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने का। वो मैं बोला था ना, वो अखरोट के माफी अंदर से नरम और बाहर से सख्त। हाँ, इट्स ओके, इट्स माय जॉब। क्या बोला? नहीं, वो अंग्रेजी सिर के ऊपर से जाती है वो। You see, you know English, I know English. ठीक है ठीक है, यू काम करेंगे नहीं तो यूसुफ भाई बूम मारेंगे। प्लीज सर, बाय। रानी, आप यहाँ? माने आपके लिए लंच भिजवाए। उनसे कहिएगा कि मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। माँ है, चिंता कैसे नहीं करेंगे। वैसे मनोज भैया ने समझा दिया था। माँ पूछ रही थी कि आज तो आप टाइम पे आएंगे ना? नहीं रानी, मुझे देर हो जाएगी। वो गैरेज बंद होने के बाद मैं मोहन से कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ। चलते हैं। प्रिंस भाई, हमारी भाभी होने वाली। क्या बात है, मुबारक हो। जब बनता खून पसीना तब जाकर आता जीना, यही तो जीने की कला है। हो मेहनत की डोरों से, उंगली के पोरों से बनता सफलता का किला है। पीछे ना मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है। मंजिल तो खुद ही आएगी कदमों में।